वेलकम टू बायोलॉजी भंडार। तो लिविंग वर्ड, आज ही हम लोग को लिविंग वर्ड ही चैप्टर करना है। इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन के बारे में, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और थ्री डोमेन लाइफ के बारे में। ठीक, आज ये लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है क्या, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर और ट्राइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। यानी कि उस टॉपिक में तुमको पढ़ना होगा कि क्या क्या रूल्स होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका नाम रखने के लिए। ठीक, अब देखो नॉमेनक्लेचर होता क्या है। नॉमेनक्लेचर यानी कि किसी भी चीज का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट हो एनिमल हो, उसका नाम रखना। लाइक जब हम लोग भी जब पैदा होते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है। ठीक, सिमिलरली प्लांट या एनिमल जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक नेम रखा जाता है। साइंटिफिक नेम यानी कि वो नाम तुमको वर्ल्ड वाइड वही नाम कंसिडर किया जाएगा। ठीक, जैसे कि हम लोग के देखे ही होंगे कि तुमको अपने ही सिटी में देखने मिल जाता है कि किसी भी एक चीज को कई लोग कई चीजें बोलते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है पूरे वर्ल्ड वाइड वही कंसिडर किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें देखो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एक साइंटिस्ट थे, कैरोलस लीनियस, उन्होंने इस सिस्टम के बारे में बताया था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक, तो कौन, किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, इन्होंने बताया था अबाउट बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। यानी कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए जो भी प्रोसेस बताया था, जो भी सिस्टम बताया था, जो भी तरीका बताया था, उसको हम किस नाम से जानते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो इनकी एक बुक थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, फिलोसोफिया बोटानिका। ये जो बुक है, इसी बुक में इन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना कैसे। ठीक, तो देखो इनके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम केवल दो वर्ड्स में रखा जाता था। कौन कौन दो वर्ड्स होते थे, ठीक, फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड जो होता था वो हमेशा जीनस को पता था कि वो किस जीनस का है, और जो सेकेंड लेटर होता था, जो सेकेंड वर्ड होता था, वो बताता था अबाउट द स्पेशीज। अब देखो ऐसा नहीं कि जीनस स्पेशीज किसी भी तरह से लिख दोगे, नहीं, जीनस जो होता था यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होता था, यानी कि जो जीनस को रिप्रेजेंट करता था, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में होना चाहिए। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर, लाइक ए बी सी, ये स्मॉल केस में तुम नहीं लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि हमेशा किस में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर हमेशा किस में होना चाहिए, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में। ठीक, और जो सेकेंड वर्ड था जो कि स्पेशीज का नाम बताता था कि वो किस स्पेशीज का है, तो ये इसका जो फर्स्ट लेटर होता था ये हमेशा स्मॉलर केस में होता था, स्मॉलर केस यानी कि स्मॉल लेटर। तो ये जो कैपिटल लेटर होंगे ये किसमें आएंगे, जीनस के लिए यूज होंगे, और जो स्मॉल लेटर्स होंगे ये किसके लिए यूज होंगे, फॉर द स्पेशीज। ठीक, तो कैरोलस लीनियस ने तो यही बताया था। लाइक एग्जांपल ले लो, तुम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, पी प्लांट का लेते हैं, इसका नाम होता है पाइसम सेटाइवम। अब देखो पाइसम सेटाइवम, ध्यान दो पी यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, और एस क्या है, स्मॉल लेटर में है। ठीक, अगर तुम यही पाइसम सेटाइवम ही लिखो, कुछ नहीं, पाइसम सेटाइवम सिर्फ सेम लिखो, पर तुम क्या करो इसको ऐसे अगर लिख दो पाइसम, और एस तुम क्या करो कैपिटल कर दो, तो ये नाम तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैरोलस ने बताया था कि स्पेशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा किससे होगा, स्मॉल लेटर से होगा। तो अगर तुम कैपिटल से लिख दोगे तो ये गलत है, और ये क्या है, सही है। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या था, एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, जिन्होंने एक बुक लिखी थी फिलोसोफिया इंडिका, फिलोसोफिया बोटानिका लिखी थी। इसमें इन्होंने बताया था कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना कैसे। तो इनके अकॉर्डिंग दो वर्ड्स होने चाहिए, पहला जो वर्ड होता था वो जीनस को रिप्रेजेंट करता था,
और जो सेकेंड वर्ड होता था वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता था, और जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता था, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता था ये हमेशा किसमें होता था, अपर केस में, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा किसमें होता था, स्मॉलर केस में। ठीक, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में इतना ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो बायनोमियल हमने पढ़ लिया, अब हम लोग को पढ़ना है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसमें क्या होता था? अब देखो उसमें बायनोमियल था, बाई यानी कि दो, दो वर्ड थे। इसमें ट्राइनोमियल है, ट्राई यानी कि तीन, तो तीन वर्ड होंगे। ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो, इजी होगा याद करने में। तो देखो ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या होता था, सबसे पहले तो ये दो साइंटिस्ट थे, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, जिन्होंने बताया था अबाउट द ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो कौन से दो साइंटिस्ट थे? हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने मिलकर दिया था ऑफ ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो इनके अकॉर्डिंग क्या, देखो कैरोलस ने तो कहा कि दो वर्ड होने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि तीन वर्ड होने चाहिए। ठीक, तीन वर्ड होते थे इनके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड। अब देखो पहले के दो वर्ड तो सेम चीज रिप्रेजेंट करते थे, पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस, सेकेंड वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेशीज। लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता था, ये रिप्रेजेंट करता था सब स्पेशीज। ठीक, तो हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने क्या बताया, इन्होंने बताया अबाउट द ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इनके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर में या फिर नेमिंग करते वक्त ऑर्गेनिज्म के तीन वर्ड होने चाहिए, जीनस, स्पेशीज और सब स्पेशीज। तो इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन को और ज्यादा डीप कर लिया था, और ज्यादा ब्रीफ कर लिया था। ठीक, अब ट्राइनोमियल भी हो गया, ट्राइनोमियल उतना पूछना नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए। ठीक, ट्राइनोमियल भी हो गया, अब हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो जिसमें क्या पढ़ना है, कुछ रूल्स पढ़ने हैं ऑफ द नॉमेनक्लेचर। देखो हम लोगों ने बायनोमियल पढ़ लिया, ट्राइनोमियल पढ़ लिया। ठीक, अब तुम लोग को पढ़ना है इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, वो भी नॉमेनक्लेचर के ही टाइप थे। लेकिन देखो अब देखो हर चीज का कुछ ना कुछ रूल होता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज अपने मन से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ रूल्स बनाए गए थे नॉमेनक्लेचर के लिए, ये ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग के लिए, जो कि अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ ना इंटरनेशनल रूल्स, यानी कि ये जो रूल्स होंगे, ये जितने भी रूल तुमको दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये सारे क्या होंगे, हर कंट्री में फॉलो होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में कुछ और चल रहा है, चाइना में कुछ और रूल फॉलो हो रहा है, अमेरिका में कुछ और रूल फॉलो हो रहा है, नहीं, ये जो रूल्स हैं ये सारी कंट्री में सेम होंगे। ठीक है, हर कंट्री, कोई भी कंट्री को अगर न्यू स्पेशीज, न्यू ऑर्गेनिज्म, प्लांट का या एनिमल का मिलता है, तो वो इसी इन्हीं रूल्स के बेसिस पे, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा और उनका नॉमेनक्लेचर करेगा। अब देखो दो इंस्टीट्यूट या दो अथॉरिटी कह सकते हो जो कि गवर्न करते हैं। ठीक है, अब देखो इनका फुल फॉर्म क्या होता है वो जान लो पहले, बहुत ईजी होगा याद करना, इतना बड़ा एब्रिविएशन देख के डर मत जाना। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहां क्या लिखा है, बी, बी यानी कि बोटैनिकल, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक, सेकेंड वाले का फुल फॉर्म क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, बस बोटैनिकल की जगह उनको जूलॉजिकल कर देना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या है, दोनों का फुल फॉर्म लगभग सेम है, बस यहां पे बोटैनिकल है, यहां पे जूलॉजिकल है। अब देखो इसमें क्यों बोटैनिकल और जूलॉजिकल रखा गया है, बॉटनी में हमेशा हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक, तो जो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो अथॉरिटी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये किसके नेमिंग को या किसके नॉमेनक्लेचर को गवर्न करेगी, ये गवर्न करेगी फॉर द, ये रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की जो भी नई स्पेशीज पाई जाएंगी वो कहाँ पे आएंगी, इनके पास आएंगी।
फिर यहाँ पे दिया जूलॉजिकल, जूलॉजिकल में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो भी एनिमल का न्यू स्पेशीज होगा उसके नॉमिनेशन के लिए क्या होगा, ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। अब देखो कुछ रूल्स हैं, देखो अब जब भी ऐसा, तो अब देखो हिंदी है, हिंदी हर जगह नहीं समझी जाती, इंग्लिश भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी होती है, लेकिन तुम लोग किसी भी सब्जेक्ट में देखोगे जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, ये देखो अब यहाँ पे जो भी नॉमेनक्लेचर है वो लोकल लैंग्वेज का नहीं होगा, वो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए हमेशा जो भी वर्ड्स होंगे वो लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से लिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि इंग्लिश या हिंदी से उठा के लेंगे, वो हमेशा कहाँ से होंगे, लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज के ही वर्ड्स होंगे। ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल जो है ये बायनोमियल वाले से तुम याद रख सकते हो। देखो अब किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका नॉमेनक्लेचर हम कर रहे हैं उसके नेम में हमेशा दो वर्ड्स होंगे, ठीक है, दो वर्ड्स होंगे, पहला वर्ड दूसरा वर्ड। बायनोमियल में क्या पढ़ा, जो पहला होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर वो हमेशा किसका होता है, अपर केस का होता है, अपर केस का। सेकेंड वर्ड बायनोमियल में क्या पढ़ा, स्पेशीज को रिप्रेजेंट करता है, इसका फर्स्ट लेटर किससे होता है, लोअर केस का होता है, लोअर केस, ठीक। ये हो गया दूसरा रूल। अब आ जाओ तीसरे रूल पे। देखो ये तीसरा जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, जब तुम लोग बोर्ड्स में या कहीं भी जब तुम लोग नेमिंग लिखते हो ऑर्गेनिज्म की, तो तुम लोग सोचते हो कि सही तो लिखा था, टीचर ने काट के दिया, कटता क्यों है वो जान लो, ये बहुत बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते। देखो अब ये जो जीनस और स्पेशीज का जो नाम होता है, लाइक हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंगो प्लांट का लेते हैं, मैंगो प्लांट का इसका साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। अब तुम लोग ऐसे लिख के आ जाओगे और ऐसे ही छोड़ोगे, सोचोगे सब तो सही लिखा है, नंबर क्यों कट गया, नंबर इसलिए कटता है क्योंकि ये रूल में है कि ये जो जीनस और स्पेशीज है या तो इसको इटैलिक फॉर्म में लिखो और या तो फिर ये दोनों वर्ड्स सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, सेपरेटली। ये भी अब अगर ऐसे भी अंडरलाइन करते हो तो ये भी क्या है, गलत है। अंडरलाइन हमेशा कैसे करना है, इस तरह से सेपरेट करके अंडरलाइन करना, ठीक है। तो नंबर जो होता है वो बच्चों का इसी रीजन से कटता है, ठीक। तो तीसरा रूल हमारा ये हो गया। अब देखो इटैलिक फॉर्म में क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इटैलिक जनरल जो बच्चों की हैंडराइटिंग होती है वो इटैलिक फॉर्म में रहती है, तो इस वजह से तुमको इनको क्या होगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। यहाँ पे मार्क्स बहुत कटते हैं, बहुत छोटी गलती होती है जो हर बच्चे कर जाते हैं। अब देखो आज आप फोर्थ रूल पे, फोर्थ रूल ये था कि सपोज करो मान लो कोई जन स्पेशीज है, ठीक है, उसको किसी एक स्पेसिफिक कोई एक साइंटिस्ट है जिसने उसको ढूंढा, तो होता क्या है कि जो साइंटिस्ट, अब देखो होगा क्या, इस रूल के अकॉर्डिंग जीनस एंड स्पेसीज का नाम लिख लिया, लास्ट में जो ऑथर हो या जो साइंटिस्ट होगा, जो ऑथर होगा जिसने उसका नॉमेनक्लेचर किया होगा, उसका भी नाम क्या किया जाता है, एब्रीविएट फॉर्म में, फुल नाम नहीं लिखा जाएगा कुछ, उसका शॉर्टकट निकाल के, जैसे कि ये एब्रीविएशन होता है, एब्रीविएट फॉर्म में और रोमन लैंग्वेज में क्या किया जाता है, जीनर और जीनस और स्पेशीज के बाद लिख दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा चौथा रूल। अब आ जाओ इसमें टॉटोनिमस। टॉटोनिमस यानी कि देखो कुछ ऑर्गेनिज्म का तुम नाम देख लोगे कि जीनस और स्पेशीज दोनों नाम एक ही होता है, ठीक है। तो देखो इसमें एक बात होती है, इसमें बात ये है कि ये प्लांट्स के लिए नहीं अलाउड होता, इट इज नॉट अलाउड फॉर प्लांट्स। यानी कि अगर तुम सोचो कि हम किसी प्लांट का नाम लिख दें कि जिसका जीनस और स्पेशीज क्या हो, सेम हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रूल के अकॉर्डिंग गलत होगा, लेकिन एनिमल्स के लिए ये चीज अलाउड होती है। एनिमल्स के लिए ये चीज अलाउड होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है माइस का या फिर माउस का, देखा होगा तुमने, रैटस रैटस, ये हो गया इसका जीनस और ये हो गया इसकी स्पेशीज। तो यहाँ पे क्या है, जीनस और स्पेशीज दोनों का नाम सेम है, रैटस जीनस में भी आ रहा है, रैटस स्पेशीज में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो किया गया, ये वाला कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट रिप्रेजेंट जीनस, सेकेंड स्पेशीज, फर्स्ट लेटर स्टार्ट विथ अपर केस एंड द सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर स्टार्ट विथ लोअर केस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज हो रही है, जीनस एंड स्पेशीज का नेम सेम है, लेकिन जीनस का फर्स्ट लेटर किससे है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और स्पेशीज का फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक।
अब आ जाओ इस रूल पे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ जेनरिक एंड स्पेशीज शुड नॉट बी मोर लेस देन 3 लेटर एंड नॉट मोर देन 12 लेटर, यानी कि जीनस और स्पेशीज का जो नाम होगा वो 3 लेटर से कम का नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा का भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 3 एक लेटर का भी लिख दिए, 2 लेटर का भी लिख दिए, 50 लेटर का भी लिख दिए, नहीं, 3 लेटर से कम का नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ लास्ट रूल पे, किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का केवल एक ही सही नाम हो सकता है, ये नहीं कि उसका कई सारा करेक्ट नहीं हो, ठीक है। अब मैंगो कया रहे किसी तरह माइस का ही बात कर लो, ये नहीं है कि माइस के कई सारे साइंटिफिक नेम होंगे जो कि करेक्ट होंगे, फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का एक ही करेक्ट नेम हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया हमारे कुछ रूल्स थे ऑफ जो इंटरनेशनल रूल्स थे ऑफ नॉर्मल लेजर। अब तुम लोग को एक पॉइंट दे रही हूँ, एक 2-4 पॉइंट्स होंगे जिससे तुम लोग को सारे साइंटिस्ट जो है इस चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट का नाम आया हुआ है उसको तुम लोग को लिख के दे दे रही हूँ, जिससे तुम लोग को याद करने में क्या हो, आसानी हो। तो देखो सब कुछ पढ़ लिया, चैप्टर समझ लो फिनिश हो चुका है, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए क्योंकि इसमें सारे साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट जिससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है या जिससे क्वेश्चन पुटअप होता है वो सारे साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ और उन्होंने क्या किया था या किस चीज के लिए वो फेमस थे वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, वहां पे ये भी तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले साइंटिस्ट है कार्ल बोज, इन्होंने क्या लिया था, 3 डोमेन लाइफ। देखो ये तुमको साइंटिस्ट के नाम तो तुमको याद होने चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, कार्ल बोज, इन्होंने क्या लिया था, 3 डोमेन लाइफ, ठीक। इसी में क्या किया गया था, 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी में, यू बैक्टीरिया, आर्किया एंड यू गैरिया, ठीक है। अब देखो दूसरे साइंटिस्ट थे चरक, इनको क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है, यानी देखो किसी को भी किसी चीज का फादर तब कहा जाता है जब उन्होंने उस फील्ड में कोई इम्पोर्टेंट चीज फाइंड की हो या कोई इम्पोर्टेंट चीज इन्वेंट की हो या इंट्रोड्यूस की हो, ठीक है। अब देखो दूसरे साइंटिस्ट हैं पाश्चरा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को, यानी कि प्लांट को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। मोनोकॉट यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी सीड में एक कॉटलेट नहीं होता है, और डाइकॉट यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी सीड में दो कॉटलेट होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ हिप्पोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल, ये नाम तो लोगों ने बहुत सुना होगा। देखो अब यहाँ पे देखो एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, ठीक, लेकिन हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल दोनों लोगों ने मिल करके एनिमल्स को इंसेक्ट, बर्ड, फिशेस और वेल्स में डिवाइड किया था, यानी कि इन 4 कैटेगरी में इन्होंने एनिमल्स को रखा था, प्लांट्स को नहीं, ठीक। अब आ जाओ थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रीज को उनके कैरेक्टर्स की स्टडी करके ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स इन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अब आ जाओ प्लिनी एल्डर, ये भी नाम तुम लोगों ने सुना है। प्लिनी एल्डर ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया नेचुरलिस, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आ जाओ अगले साइंटिस्ट है जॉन रे, इन्होंने क्या किया था, जॉन रे जो टर्म स्पेशीज जो वर्ड तुम लोग देख रहे हो, जो टर्म है स्पेशीज वो किसने दिया था हमको, जॉन रे ने, यानी कि जॉन रे की ही कृपा थी कि स्पेशीज के बारे में हम लोग को पता चला कि हाँ स्पेशीज जैसा भी कोई वर्ड होता है। अब आ जाओ कैरोलस लिनियस, ये तो आज ही नाम सुने हो, कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, देखो ये जो जितने फादर वाले साइंटिस्ट है ना इन लोग को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इन्होंने इतने सारे काम किए थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी स्पेशीज प्लैनेटेरियम और एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, यहाँ पे क्या है नेचुरलिस कहा गया, सिस्टेमा नेचुरलिस था, ठीक है। ये इन्होंने हिस्टोरिया नेचुरलिस लिखा था और यहाँ पे क्या है सिस्टेमा नेचुरी, तो नेचुरलिस और नेचुरी में कंफ्यूज मत होना। और कैरोलस लिनियस ने क्या लिया था, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉर्मल क्लेचर। अब आ जाओ हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, ये भी नाम आज ही सुने हो, इसमें क्या इन्होंने क्या दिया था, ट्राइनोमियल नॉर्मल क्लेचर। तो कितने साइंटिस्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम तुमको और इनके नाम के साथ साथ इनका काम, किसको किसको कौन कौन फादर थे किसी चीज के, ये सब तुम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। थैंक यू यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज सपोर्ट, प्लीज
ठीक है। और अगर तुम लोग को कोई भी नया टॉपिक चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी गई है, वहां से तुम लोग को नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के लिए परेशान मत होना। थैंक यू।